नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजी किचन विद ललिता जयरामन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में डालते ही मेल्ट होने वाली मैसूर पाक, जो आप आपके किचन में 15 मिनट में बना सकते हैं। और इसके लिए लगते हैं जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। मैसूर पाक बनाने के लिए 1 कप घी चाहिए, 1 कप शुगर चाहिए और 1 कप बेसन चाहिए, जिसे हमें अच्छे से भून लेना चाहिए। उसके बाद उसे अच्छे से छलनी में छान लेना चाहिए। आप कोई भी कप या बाउल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों एक ही मेजर का होना चाहिए। सबसे पहले हम बेसन को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर हमने जो घी लेके रखा है उसका आधा क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है मिक्स करने के लिए। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप स्पून से भी इसे मिला सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिला के इसे इस तरह से अच्छे से मिला के साइड में रख दीजिएगा। अब हम शुगर को एक नॉनस्टिक पैन में या फिर एक हेवी बॉटम पैन में डालकर 1/4 कप पानी भी ऐड करके इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। शुगर मेल्ट होने के लिए 5 मिनट तक लगेगा, तो हम इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते रहेंगे। मैसूर पाक बनाने के लिए हमें स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शुगर अच्छे से मेल्ट होके बॉयल होना शुरू कर देगा, जो मिश्रण हमने बेसन और घी का बना के रखा था उसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, स्टार्टिंग में 2-3 मिनट्स हम गैस को धीमे आंच में रख के मिलाते रहेंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। 2 या 3 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते रहेंगे तो इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। हर 2 मिनट में घी अब्सॉर्ब होता जाएगा और हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे, जब तक कि पूरा 1 कप घी इसमें मिल न जाए। फ्रेंड्स, ये घी मैसूर पाक है, तो इसमें घी हम इतना डालेंगे तो ही ये टेस्टी बनेगा। और अगर आप चाहते हैं तो 1/2 कप घी और 1/2 कप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा मैसूर पाक फाइनल स्टेज में है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल छूट रहा है और साइड में से ये फ्रॉदी लुक हो गया है इसका। तो अब 1 और मिनट तक आप इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे तो ये पैन से छूट के आएगा। जब ये पैन से इस तरह से छूटता है तो आप समझ लीजिए आपका मैसूर पाक तैयार हो चुका है। तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही एक मोल्ड इस तरह से ग्रीस करके रखा है। अब हम मैसूर पाक को इस मोल्ड में इस तरह से डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी से मुझे ये खाने को मन कर रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। अब हम इसे 2 या 3 बार थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। अब इसे ठंडा होके थोड़ा सेट होना है, इसके लिए हम इसे 1 घंटे तक के लिए साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब मैंने इसे कट कर लिया है पीसेस में और आप देखिए कितना सॉफ्ट है ये, बहुत ही सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में और भी सारे दिवाली के स्वीट्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा। मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में ही एक बेल आइकॉन होगा, उसमें ऑल लिखा होगा, उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एडवांस हैप्पी दिवाली विश करती हूँ और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।